बार चल दुनिया नहीं ये बबल। हेलो यार अली इमरान, मेरे 20 लाख निकलवा यार। भाई तू जानता है यार मेरे घर का किराया देना है भाई। क्या? ओ भाई नहीं नहीं, तू जानता है मैं कितना खुददार हूँ यार, उधार नहीं पकड़ूंगा मैं किसी से। ना 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 ना, किराया देना है यार मैंने। हाँ यार निकलवा अली इमरान, मुझे नहीं पता यार। ओके बाय। आप इतनी जल्दी आ गई किराया लेने, अभी तो एक हफ्ता बाकी है महीना पूरा होने में। नहीं नहीं मैं किराए के लिए नहीं, मैं तो अपने 20,000 लेने आई हूँ। 20,000? कौन से 20,000? याद नहीं है, पिछले हफ्ते तुम्हारे दोस्त को 20,000 दिए थे, तुमने कहा था कि वी के 50 वापस करेगा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो राणा रिजवान को दिए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठहर ठहर, ये पकड़े रखे। ये क्या है, ये तो 50 रुपए है। 20,000 के 50,000 देने की बात हुई थी ना? ना 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 ना, ना। मैंने कहा था 20 के 50 देगा, यानी 50 रुपए हर महीना, और ये रही पहली 50 की किस्त। क्या बकवास कर रहे हो, मुझे मेरे 20,000 इकट्ठे चाहिए सारे। जोजी भाजी ये तो बड़ी गलत बात है, उस वक्त तो आपने बड़ी खुशी खुशी 20,000 रुपया दिया था। हाँ तो वो इसलिए दिए थे कि वी के 50 देने की बात हुई थी। हाँ दे तो दिए 20 के 50, भाई जाए याशी करें, तले तले जाए। झूठा मक्कार फ्रॉडिया, तो आपके पास मेरे पूरे 20,000 खा गया, छटोगे नहीं मैं तुझे। तले तले ताकि अपनी अतलों पे आंसू बहा के तो जाए। तुम लोगों का बवर्ची खाने का टाइम खत्म, 2 बजे के बाद तुम लोग बवर्ची खाने में नहीं आ सकते। ये क्या बात हुई, किराया तो आप पूरा लेती हैं। अच्छा तो तुम लोग मुझे अद्धा किराया देना चाहते हो। मुझे मिर्चे डालने दे प्लीज। हाय तो मेरी आंखों में मिर्चे डालेगी? सालन की बात कर रही हूँ जोजी आंटी। और तू सालन डालेगी मेरी आंखों में? अभी बताती हूँ तुझे मैं। मुझे मिर्चे सालन में डालनी है, आप प्लीज हटेंगी चूल्हे के पास से? और ये मेरा किचन है, यहाँ मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ पर यहाँ पे कोई पत्ता नहीं है। जबान चलाती है, चल निकल इधर से। छठ दे मेरी फिजाना को। ये खूबसूरत है। खूबसूरत है तू इसीलिए तो जलती है, तू इसको छोड़ मुझसे वो कर। और मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। और बात नहीं, मुझे पहलवान करते हैं ना कुश्ती। और मैं तुझ जैसी भैंस के साथ नहीं कर सकती मुकाबला। हाँ मुकाबला, मुझसे मुकाबला करके दिखा। और मैंने खड़े खड़े तुम लोगों को अभी कार से निकालना है, निकलो इधर से। निकाल देना लेकिन उससे पहले जो मैंने करना है वो तू चेक कर। क्या कर? अरे मोहतरमा सिर्फ 500 रुपए का इजी लोन। कमाल कर रही है भाई, जो पैसा है ना ये हाथ की महल है, 1,000 रुपए का करा देते हैं। और लेकिन वादा कीजिए पहले आपको हमारी पूरी गजल सुननी होगी। अर्ज किया है, काली काली आंखें गोरे गोरे गाल, जब से देखा है तुम्हें दिल का अजब हाल, बल्कि बहुत बुरा हाल। मुस्तकीम ये अड्डी चिपू शायरी किस डैन को सुना रहे थे तुम, बताओ मुझे। हम किससे बात करेंगे, पब्लिशर से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी किताब आ रही है ना जल्दी, वो बासीगर है। वो तो कोई खान सी उसकी फिल्म का नाम है ये चूठे। अरे भाई जोजी बेगम कमाल बात कर रही हो, यानी हमारी किताब आने से पहले उस पे फिल्म भी बन गई। ये होता बड़े लोगों की निशानी। अच्छा जी मेरा तो बड़ा ही दिमाग पोया हुआ है। जोजी बेगम क्या हुआ? क्या हुआ, वो मुमताज और उसकी बहू दोनों डैने मिल के मुझसे लड़ रही थी, मैं तो कल्ली पाड़ गई थी उन डैनों को। अरे जोजी बेगम इसमें परेशानी क्या बात है, आप भी एक और डैन ले आए। क्या मतलब केडी डैन? अरे जोजी बेगम आप हमारा अकद सानी करवा दीजिए, अगर आप हमें इजाजत फरमा दें तो हम आपसे भी 2 हाथ आगे की जंगजू दुल्हन ला के दिखाएं आपको। तुम ना अपने अरमान अपने अंदर दबा के रखो मुस्तकीम, मेरे जीते जी वोटी लाने का सोचना भी मत। और रही बात सास बहू की, तो उनको तो मैं चंगी तरह मजा चखाऊंगी, बस मुस्तकीम तुम मेरा साथ दो ना। अरे भाई आपका साथ देने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं। तो फिर फरमाइए क्या करना होगा। कान इधर ले आ जी। हाँ मुमताज मुमताज मेरी बहन, मेरी सोनी जी बहन। विश्वास तेरी जबान इतनी वो कैसे हो गई? काली काली नहीं, वो जो चाय होती है कड़क, वो कड़क नहीं वो। अच्छा देखो तुहाड़े वास्ते मैं खीर लेके आई हूं, बड़ी मीठी है मानना। मीठी मीठी तेरी बातों में इतनी मठास कैसे आ गई? हाय गलती मेरी है, तू तो मेरी बहन अपना फर्ज निभा रही थी ना। पर एक गल मैं कहूं, तू बड़ी अजीम औरत है,
तेरी बहू तेरे जैसी नहीं है बिल्कुल। अच्छा? हाँ, भाई सास हो तो तुम जैसी, हर वक्त अपनी बहू के इशारों पे नाचती रहती हो, नाचती रहती हो। चुप! मैं उसके इशारों पे कोई नहीं नाचती। हाँ मुझे पता है, तुम तो उसके साथ मुखलस हो, पर वो तो तुम्हारी ऐसी बुराइयां कर रही थी, तौबा तौबा, क्या बताऊँ अब मैं तुम्हें। ओए, क्या कहा है शबाना ने, सच सच बता दे मुझे। छठ परा चल, वो कह रही थी कि तू एक पागल बुढ़ी है जिसे मजबूरन इस कार में रखा हुआ है उसने, और यही कि तुम बड़ी झगड़ालू और लालची किस्म की बुढ़िया हो। क्या उसने मुझे बुढ़िया कहा? वो झगड़ालू और लालची भी कहा। वो तो ठीक है, पर उसने मुझे बुढ़िया कहा कैसे? एक 20 साल की लड़की को कैसे बुढ़िया कह सकती है वो? मैंने छोड़ना नहीं है उसको। ना ना मेरी बहन, तू लड़ी ना। मैं हो जी नहीं हूं, वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम बीच में आए। ले, मुझे तो तेरा नाम याद ही नहीं है रशीदा। बस खूबसूरत पुत्र, खूबसूरत पुत्र, मेरी गल तो सुन। जी। देख पुत्र, मैं जरा जबान की तेज हूँ पर दिल की बड़ी साफ हूँ, और तू तू तो बिल्कुल मेरी सकी धी की तरह है। इट्स ओके आंटी। हाय कितनी चंगी है तू, काश तुझे तेरी सास भी तेरे जैसी चंगी मिली होती। क्यों, क्या हुआ? अच्छी भली तो है माँ जी। पुत्र अब मैं क्या कहूँ, मेरी आदत नहीं है पर सारे मोहल्ले में तेरी बुराइयां करती है। कहती है जालिम बहू है मेरी, खाना तक नहीं देती मुझे। क्या कहती है? मेरी बहू यानी कि तूने मेरे बेटे नबील का मुंह बंद कराया हुआ है, नाले तू उस पे ना पता नहीं क्या तवीज गंडे करती है। माँ जी मेरे बारे में इतना बुरा बुरा सबको क्यों कह रही है? हाय मेरी आदत नहीं है वैसे, लेकिन मेरा काम था तुझे होशियार करना, मैं बिल्कुल नहीं चाहती तुम लोग आपस में लड़ाई शड़ाई करो। ठीक है, थैंक यू आंटी। यार खुदा का वास्ता जानू, खाना लगा दो यार, अब तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं यार। माँ जी को बोलो। चाना मोमो, तुम ही जाके खाना लगा दो यार। मैं खाना नहीं लगाऊंगी, मैं मुक्का लगाऊंगी रुखसाना के रुखसार। कौन रुखसाना? माँ जी कहीं मोहल्ले में फिर झगड़ा तो नहीं कर रही हैं आप? मैं तेरी बीवी की बात कर रही हूँ। अच्छा तो अब आप मुझ पे हाथ भी उठाएंगी? हाँ हाँ, और ये लात भी। माँ जी अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी आपकी कोई बात। ओए मुझे सब पता है तू मेरी कितनी वो करती है। तारीफ है माँ जी? ओए तारीफे नहीं बुराइयां, वो भी मेरे पेट के पीछे। अरे पेट नहीं, पीठ के पीछे। हाँ हाँ। माँ जी मुझे भी मालूम है कि आप मेरे लिए क्या क्या बातें करती हैं। ओए बता बता मैंने कितनी बातें की है, क्या बातें की? आप दूर रहे मुझसे माँ जी। ओए तेरा हाथ ही मड़ो। माँ जी को माँ जी छोड़े छोड़ यार, मैं गुस्सा पड़े मानो माँ जी छोड़ो रोका नहीं ना होता मुझे तो मैंने शगुफ्ता की गिच्ची उधर ही मरोड़ देनी थी। अरे लेकिन भाई आखिर ऐसा हुआ क्या है? माँ जी से जाकर पूछो क्या हुआ है, पूरे मोहल्ले में घर घर जाके मेरी बुराइयां करती हैं। अरे अच्छा है ना जानू, डोर टू डोर मार्केटिंग कर रही है तुम्हारी, बुलबुले की रेटिंग ज्यादा है। मार्केटिंग? बुराइयां करती है मेरी नबील? अरे जानू जो तुम्हारी क्वालिटीज होंगी, खसूसियात होंगी, वो ही बता रही होंगी ना। जानू माँ जी से दोस्ती कर लो। मैंने तो अब दूसरी बहू लानी है, दोस्ती तो मैंने उससे मर के भी नहीं करनी। अब कभी दोस्ती नहीं हो सकती नबील, तुम सोच लो कि तुमने मेरे साथ रहना है या माँ जी और महमूद साहब के साथ। अरे जोजी बेगम क्या बात है, आज तो मुस्कान होंठों का साथ ही नहीं छोड़ रही, वही आपको देख के हमें वो याद आ गई, बहुत गपशप हमारे साथ होती थी, संडे के संडे तशरीफ लाती थी, अपने सारे ही जौहर हम पे घोल देती थी, वो जंगल में घबरा जाती थी ना तो इसलिए शहर आ जाती थी। कौन थी वो? अरे लोमड़ी, और क्या भाई, चालाकी में हू बहू आप ही की तरह थी। अड मुस्तकीम, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी फुट पवाई है मैंने सास बहू में कि आज के बाद शक्लें नहीं देखेंगी एक दूसरे की। जोजी बेगम एक शेर रस कर रहे हैं, अभी अभी आमद हुई है, आगे पीछे हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। झगड़ालू शातिर घुन्नी लड़ाकन, भाई जोजी हमारी नंबर वन फसादन, आधा वर्ष करते हैं आधा वर्ष। अच्छा छठो मुस्तकीम, आज मैं बड़ी खुश हूँ, मेरा मूड ना खराब करो, ऐसा फड्डा पोया दोनों में कि लड़ते लड़ते कार खाली करेंगी, हमें एडवांस भी नहीं वापस करना पड़ेगा। भाई मुबारक हो जोजी बेगम, फिर तो बहुत बहुत मुबारक हो। अब आगे से तुम्हारा काम शुरू होता है मुस्तकीम। अरे जोजी बेगम आप अपने हिस्से का काम तो कर चुके हैं, बर्तन भी धो दिए, कपड़े भी धो दिए, झाड़ू पोछा भी कर दिया, सारे काम करके बैठे हैं। ओए होए मैं उस काम की गल नहीं कर रही, मैं दूजे काम की गल कर रही हूँ नबील और महमूद वाली,
फैदर लिया कान। अरे भी बेगम आपने हमें क्या समझ रखा है भाई, हम उनके कान काट के नहीं ला सकते। ओहो मैं तुम्हारे कान की गाल कर रही। हमारा कान, हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमारा कान कटवा रही है? ओहो मैंने कुछ समझाना है, कान फैदर लिया जी। अच्छा अरे भाई नवेल मियां आप यहाँ बैठे हुए हैं भाई, क्या बात है आप कुछ बुझे बुझे से लग रहे हैं। क्या बताऊं मुस्तकीम साहब, ये खवातीन ने लड़ लड़ के ना मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ा दिए हैं। पता नहीं क्या हो गया माँ जी को भी, देखे लाख खूबसूरत जहर लगती हो, घर का खर्चा तो वो ही चला रही है ना, उसको तो नाराज नहीं कर सकते ना। देखिए चूड़ी लगाना और बात को इधर से उधर करना इसके हम कायल नहीं है, मगर आपकी परेशानी देख कर बताने को दिल कर रहा है। क्या बताने का दिल कर रहा है? वही जो हमने महमूद साहब को कहते हुए सुना। क्या कह रहा था वो उड़ने वाला सांप? कह रहे थे वो तो जहर उगल रहे थे, जहर हमने अपने गुनाहगार कानों से सुना। कान तो आपके गुनाहगार हैं, लेकिन वो क्या कह रहे थे? अरे कहना क्या था, वो कह रहे थे कि आप कामचोर लालची और परले दर्जे के घटिया हैं। ओ यार ये बात तो पूरी दुनिया को पता है यार, आगे बताएं और बताएं। और यही कि जो आपके सुसर है ना सिद्दीकी साहब, उनको पल पल की आपकी खबरें देते हैं ये महमूद साहब। भाई आपकी नालायकी और निकम्मेपन के किस्से सुना रहे थे बहुत लहक लहक के उनको, ताकि वो जायदाद आपके नाम न कर सके। क्या उस उड़ने वाले सांप की ये जुर्रत, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। नहीं नहीं नहीं, एक सीन के बाद। वो क्यों? क्योंकि अगला सीन भी मेरा ही है। फिर ठीक है जी, फिर ठीक है, करें आप अगला सीन, मैं इसको अगले सीन में देख लेता हूँ। क्या बात है मुस्तकीम साहब, आप इतने उदास उदास क्यों बैठे हुए? आप उदासी की बात कर रहे हैं महमूद साहब, हमारा तो कलेजा मुंह को आ रहा है, बल्कि छलनी हो गया यह हालत देख के। अरे कौन सी हालत, किसकी हालत? आपकी महमूद साहब, और किसकी? अरे भाई मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अरे महमूद साहब अभी ठीक है ना, कुछ देर के बाद आप नहीं रहेंगे ठीक। वो क्यों? अरे महमूद साहब हम अभी भी नबील के जालिमाना ख्यालात सुनकर आ रहे हैं आपके बारे में। मेरे बारे में? क्या कहा है उसने मेरे बारे में? अरे भाई यही कि सिद्दीकी साहब से जायदाद मिलते ही वो आपको और मोमो को दोनों को ओल्ड होम में भिजवा देंगे। ओल्ड होम? जी हाँ, बल्कि नबील तो ये कह रहा था कि इस मोटी चमड़ी वाले सांप को ओल्ड होम नहीं बल्कि नांगा पर्वत पे छोड़ के आना चाहिए, ताकि बर्फ में पत्थर बन जाए नाग। क्या? अरे वो क्या छोड़ेगा, उससे पहले मैं और मोमो खुद ये घर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन लेकिन आप याद रखिएगा मुस्तकीम साहब, अरे मैं नबील का जाने से पहले वो हाल करूंगा, वो सबक सिखाऊंगा। अरे याद करेगा साहब पुश्तों को, आप देखते जाइए। अरे वाह वाह वाह, देखिएगा मोमो साहब, खुदा आपको जिंदगी दे किसी न किसी तरह, है तो बड़ा मुश्किल काम ये। नबील, नबील, नबील के बच्चे डरपोक आदमी, बाहर आओ कमरे से, नबील के बच्चे बाहर आओ। ओ क्या हो गया? अरे अच्छा तू आ गया महमूद, मुझे तेरा ही इंतजार था। क्या तेरा? देखा देखा तुमने, अरे सारी जिंदगी इसने मुझे अब्बू जान नहीं कहा है, और अब देख लो महमूद साहब कहने की बजाय मुझे अबे महमूद कह रहा है। शुक्र करो मैंने तुम्हें उड़ने वाला सांप नहीं कहा, और अब्बू जी के लिए मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। शायद तुमने देखा नहीं कि मरने के बाद भी मेरे अब्बा रोशू की रूह कितनी हैंडसम दुबली पतली है, लंबी लंबी उंगलियां है मेरे अब्बू रोशू की। कफील खबरदार, जो तूने अपने अब्बे से ऐसे बात की, मैं इनकी बिस्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। और खुद जो आप दूसरों की बेइज्जती करती है माँ जी, वो तेरी तो मैंने आँखों में ना उंगलियां फंसा देनी है अपनी, और नाक में नासों में तीले डालने। हाँ और तू सो तो मैं तेरी सोते में ना पुलके काट दूंगी। नबी सुन रहे हो तुम अपनी माँ की धमकियाँ? माँ जी आप इस जंगली दरिंदे के साथ रहते रहते इतनी बेरहम हो गई है। बीवी की बातों में आके तो माँ से जुबान लड़ा रहे। मेरी बातों में आए ना जाए, मुझे बीच में मत लाए आप। अरे इस बेवकूफ को कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम देख लेना नबील, तुम्हारा सुसर जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं तुम्हें देगा, और तुम्हारा बुढ़ापा जो है ना वो मुझसे भी बुरा होगा।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अफ्तखार। अफ्तखार नहीं महमूद। हाँ, एक नंबर का गधा है ये महमूद। अरे महमूद मैं हूँ भाई, तुम्हारा शोहर है। जानू इनसे बोलो ये लोग यहाँ से चले जाएं। मुझसे कहीं इनका खून ना हो जाए। तखलिया। अरे तखलिया के बच्चे, खून तो तेरा। अरे मुमताज बहन, मुमताज बहन, मेरी गल सुन। मेरे पास ना तेरे लिए एक कमाल की चीज है। ओए कमाल की चीज है तो मुझे क्यों दे रही है? जा जाके कमाल को दे। ओए मेरे पास तेरे मसले का हल है। कौन सा वाला मसला? वही तेरी खुद सर बदतमीज बहू वाला मसला। ओए उससे तो मैंने अब सारी जिंदगी बात नहीं करनी सूजी। ना ना ना, ऐसा नहीं करते। मेरे पास इसी का तो हल है। ऐसा हल है कि सारी जिंदगी तेरी बहू तेरे गोटे से लगी रहेगी। ऐसा कौन सा जादू है तेरे पास? ये ले, ये खूबसूरत पे छड़क दे जाके। ये क्या तजाब है? ओए नहीं, ओए तजाब नहीं है, मैं कोई एड्डी जालिम हूँ? ये तो पड़ा हुआ पानी है, जिस पे भी छड़केगी ना सारी जिंदगी तेरा गुलाम बन जाएगा। तो देखना अब खूबसूरत कैसे तेरे पैर तो के पिएगी। ओए सच्ची? फिर तो मैं अभी छिड़क दूंगी जाके उस पे। ओए नहीं नहीं, अभी नहीं, शाम को। बाबा जी ने कहा है शाम को छिड़कना, फिर असर होगा इसका। ओ शाम को ला दे। जा शाम को छिड़क रहे हैं। ला 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 ला। तू ठीक है ना मेरी बच्ची खूबसूरत? हाँ जोजी आंटी, मैं ठीक हूँ। शुक्र है मेरे रब का, मैं तो डर ही गई। क्यों? मैंने ना अपने कानों से सुना था तेरी सास को अपने उस मिये से बातें करते हुए। हाय कैसे बताऊं तुझे? क्या बातें कर रहे थे दोनों? तेरी सास के हाथ में ना एक बोतल थी। माँ जी पीने लगी है? नहीं नहीं, वो बोतल तेरे लिए थी। मैं बिल्कुल नहीं पीती। हाय तो समझ नहीं रही पुत्र, उस बोतल में पेट्रोल था। पेट्रोल? वो ना अपने बड़े मुंह वाले मिये से कह रही थी तुझ पे पेट्रोल छड़क के तुझे आग ला देगी। माँ जी मुझे जान से मारना चाहती हैं? हाँ वो भी जला के। हाय मेरी खूबसूरत पुत्र, तूने बस अपना ख्याल रखना। पुत्र खूबसूरत? खूबसूरत माँ जी। हाँ वो आप खूबसूरत है, बड़ी प्यारी है तू। देख मैं कहती हूँ मामला इधर ही रफा दफा कर सकते हैं, जो कहा सुना माफ कर देते, ले छिड़क ले अपने ऊपर। नहीं मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं देख, तू नहीं छिड़केगी तो मैं जबरदस्ती तुझ पे छिड़कूंगी। माँ जी। हाँ जी ये ले। ओ, 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 इधर है। गलती होगी मुझसे, उड़ने वाला सांप कहना चाहिए मुझे आपको। बकवास बंद करो। महमूद साहब माँ जी को देखे यार, मुझ पर पेट्रोल छिड़कना चाह रही है। इतना बड़ा इल्जाम? मोमो अभी सामान पैक करो, हम अभी के अभी ये घर छोड़ के जाएंगे। मैं और नबील भी इसी वक्त घर खाली कर रहे हैं, हम पापा के पास रह रहे लाहौर जा रहे हैं। चलो नबील। चलो चलो सामान पैक करते हैं। आओ मोमो हम भी सामान पैक करते हैं। हाँ आ जा फिर। चलो। अरे भी जोजी बेगम, जोजी बेगम बहुत बहुत मुबारक हो भाई, आज तो गुलाब जामुन मंगवा लीजिए। क्यों क्या हुआ, ऊपर वाले आपस में लड़ मार गए? अरे बस सिर्फ तलवारें चलना बाकी था बेगम, बाकी तो सारा काम हमने कर दिया। अरे अब तो मजा आ गया मुस्तकीम। देखा जोजी बेगम कितनी शातिर है तुम्हारी बीवी, ऐसी फूट डलवाई है मैंने कि अब तो एक घर में क्या एक शहर में नहीं रहेंगे इकट्ठे कभी। बेशक बेशक जोजी बेगम, वो तो सामान पैक कर रहे थे, इतने जोर की लड़ाई हुई कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं कर रहे वो। और ये सब कुछ आपकी बदौलत हुआ, आपकी बदौलत। अरे जोजी बेगम आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। भाई खातिनो हजरात, अगर आपको पैकिंग में हमारी जरूरत है तो हम तशरीफ ले आए हैं। वो तो पैकिंग बुकिंग कर रहे होंगे आप, टैक्सियां ले आए। वो तो ठीक है मगर ये है कहाँ? आप लोगों का सामान शमान कहाँ है जी? पैकिंग शैकिंग होगी है तो टैक्सियां टुक्सियां मंगाएं। टैक्सियां किसके लिए भाई? जी आपको और मुमताज बहन को पिंड जाना होगा, उसके लिए रेल गड्डी पढ़नी होगी,
और खूबसूरत पुत्र और नबील को लाहौर जाना होगा प्यो के पास, तो फ्लैट लेनी होगी लाहौर की। महमूद साहब यार सब छोड़े, पहले जफ्फी डाले यार, बहुत दिन हो गए अपने सोतेले बाप की मोहब्बत को महसूस किए हुए। हाँ, क्यों नहीं, और जो मेरे बच्चे मेरी जान, लग जा मेरे सीने के साथ ठा करके। पाजी आप कितनी अच्छी माँ, सदके माँ वारी मेरी चंदा। ओ ये सब हो क्या रहा है, आप सब तो लड़ मर रहे थे, जा रहे थे यहाँ से। जा रहे थे, लेकिन आप लोग जो आपस में अपने कमरे में हमें लड़वाने की बातें कर रहे थे ना, वो सारी मैंने गलती से सुनी। 14 साल से बहुत लोगों ने कोशिश की हमें लड़वाने की, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हो सका। और अब हम यही रहेंगे, वो भी आधे किराए में, और देखते हमें यहाँ से कौन निकालता है बच्चू। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। ओ चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पास।